बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा की ग्राम पंचायत देवरिया जागीर के प्रधान पद के प्रबल युवा प्रत्याशी मजहर अली ने आज संवाददाताओं से खास बातचीत में ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो रणनीति तैयार की है उस पर चर्चा करते हुए कहा। जी, आपका नाम सैयद मजहर अली, आप प्रधान पद के प्रबल दावेदारों में हैं, तो अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना तो इस ग्राम पंचायत के लिए आपके भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं? योजनाएं जैसे कौन, हमारे सीसी अनकम्प्लीट है, कौन की रास्ताएँ ख़राब हैं, बिजली का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, खंभे नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, उनको आगे देखा जाएगा, अपराध घर यहाँ पर गांव में नहीं है, उसको लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जनता के लिए काम किए जाएंगे। जो भी है यहाँ पर कितने ट्रांसफार्मर हैं पूरे गाँव में? यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, वो भी छोटा ट्रांसफार्मर है और गांव की आबादी के हिसाब से ट्रांसफार्मर खूब जाता है, तो भी चंदा करके यहाँ पर लगती है वो। यहाँ पर एक छोटा ट्रांसफार्मर है जो जिससे यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर गांव में मैं लगवाऊँगा और जिससे गांव को जो है पूरी लाइट अच्छी मिलेगी और दिक्कत नहीं होगी लोगों को। एक शादी हॉल बराबर यहाँ बनवाया जाएगा जो यहाँ की जनता के लिए फ्री सेवा होगी, जो लोग बाहर जाते हैं, यहाँ से दूर 20 किलोमीटर दूर शहर जाते हैं, जो किराए पे लेते हैं, उस चीज़ से लोग बचेंगे, जनता यहाँ की, उनका पैसा बचेगा, वक्त बचेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है बहुत कार्य होने को रह गया, खरंजे नाली और सबका जी, वो विकास यहाँ पर नहीं हुआ है और मैं यहाँ पर प्रधान बनता हूँ तो जनता से वादा करता हूँ कि यहाँ पे जितना विकास अधूरा सब करूँगा, खरंजा है यहाँ का, नालियाँ हैं, सीसी रोड रह गए जो, वो सब लेकर यहाँ पे लाऊँगा, लाइट के खंभे लेकर आऊँगा, यहाँ पे लगाऊँगा, लोगों के लिए फैसिलिटी दूँगा जितनी हो सकती है। जैसे कि आपका स्कूल यहाँ पे हाई स्कूल इंटर किया जाए, एक आपको पराधन यहाँ पर बनवाया जाए, जैसे कि और भी ये रोड सीसी रह गए जो गाँव में, नालियाँ रह गई, लोग खर्चा दरवाजे पहुँच पाते हैं, गरीबी कि यहाँ पे थोड़ी लोग पिछले लोग आए जिनके कमरे बनवाए या पास कराए या प्रधान की ओर से, जो लोगों को अच्छे जो फ्लैट में या छप्पर में रह रहे हैं उनको एक अच्छा घर मिल सके रहने के लिए, छत मतलब सर छुपाने के लिए छत मिल सके। बस ठीक, गांव में सबसे ज़्यादा विकास में पीछे यहाँ पे है जो जनरेशन नहीं पहुँच पाती, यहाँ पे एक स्कूल नहीं है प्राइमरी स्कूल के अलावा, एक स्कूल की फैसिलिटी अच्छी लाई जाए, इसको हाई स्कूल करवाया, जो लोग छात्र शहर जाते हैं पढ़ने के लिए उनकी इस स्कूल को प्राइमरी को हाई स्कूल तक लाया जाए, इससे यहाँ की जनता पढ़ते जागरूक हो सके।